हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी आप थोड़ा सा अंदाजा कर लगा सकते हैं कि मेरा बेयर फेस है और आज मैं कुछ वीडियो लेके आई हूँ, तो मे बी वो जनरली स्किन केयर ही होगी। तो यस, यू आर राइट, आज मैं एक स्किन केयर वीडियो करने वाली हूँ, बट स्किन केयर रूटीन नहीं कर रही हूँ, स्किन केयर रिव्यू कर रही हूँ। तो आज मैं एक फेस वॉश है जो मैं रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने रिसेंटली अपने नायका हॉल में आगे शेयर किया था, आई बॉट अ न्यू फेस वॉश, तो उसके चलिए उसको रिव्यू करते हैं। आई हैव बीन यूजिंग इट नाउ फॉर अ वाइल, तो नाउ आई कैन से कि हाउ इट परफॉर्म्स ऑन माय स्किन और कैसा ये काम करेगा इन जनरल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ वो है ये वाओ एक्टिवेटेड चारकोल फोमिंग फेस वॉश। इसके दोनों वर्जन आते हैं, ट्यूब में भी आता है एंड दिस इज द फोमिंग फेस वॉश। इसमें जो बेस्ट चीज़ मुझको लगती है वो है कि इसमें जो इसका इनबिल्ट ब्रश है, तो यू गेट अ कैप लाइक दिस टू प्रोटेक्ट द ब्रश। तो आफ्टर एवरी यूज आई पुट द ब्रश एंड आई ड्रॉप इट। तो इट कम्स विद दिस कैप जिससे आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर एवरी यूज मैं इसको क्लीन करके आई जस्ट पुट इट बैक, बिकॉज फिर वो गंदा हो जाएगा बाहर रखा धूल में, तो इसीलिए। ओके, सो ये जो ब्रशेज हैं, ब्रश है इसका, इसके जो ब्रिसेस हैं दीज आर सो सॉफ्ट एंड जेंटल, सिलिकॉन के बने हुए हैं, तो इट हेल्प्स इवन एक्सफोलिएटिंग योर स्किन। तो इसके बाद मैं जनरली अपना स्क्रबिंग नहीं करती हूँ जब मैं ये यूज़ करती हूँ। आई डोंट यूज़ दिस डेली, लाइक बहुत सारे हैं तो आई लाइक शफल इन बिटवीन। तो यस, जब भी मैं इसको यूज़ कर रही होती हूँ तो आई डोंट प्रिफर स्क्रबिंग इन अदर वेज ऑल्सो। तो इससे आपका एक जेंटल एक्सफोलिएशन भी हो जाएगा एंड बहुत सॉफ्ट है तो आपकी स्किन को ये लगेंगे भी नहीं। तो यस, दैट इज द गुड थिंग अबाउट दिस। नाउ अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इट इज नॉन पैराबेंस, नो सल्फेट्स, नो सिलिकॉन एंड नो कलर, सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। जनरली वाओ के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं विदाउट एनी पैराबेन और सिलिकॉन्स। तो यस, एंड दिस वन इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड विद एक्टिवेटेड चारकोल, एलोवेरा एंड टी ट्री ऑयल। तो चारकोल जो है वो आपका सीबम कंट्रोल करेगा, एलोवेरा आपको हाइड्रेशन देगा एंड टी ट्री विल हेल्प इन एक्ने कंट्रोलिंग। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इवन एक्ने कॉम्बिनेशन, ड्राई, ऑयली, एनी पर्सन कैन यूज दिस वन, जस्ट बिकॉज कि जो इसका कॉम्बिनेशन है वो सबके स्किन टाइप को सूट करेगा ही करेगा। जनरली मेरे फेस पे सारे टाइप के फेस वॉशेज सूट नहीं होते हैं, बट दिस वन इज वर्किंग प्रिटी वेल ऑन मी, सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस। ऑल राइट, अब बात करते हैं कि वॉट इट क्लेम्स टू डू। ओके, इट सेज हेल्प्स टू डीप क्लींस द स्किन एंड प्यूरिफाई द पोर्स, हेल्प्स टू फेड एक्ने स्कार्स एंड इवन आउट पैची कॉम्प्लेक्शन, रिजुविनेट्स डल टायर्ड एजिंग स्किन, सॉरी, बैलेंसेज एक्सेस सीबम प्रोडक्शन एंड या, एंड इट हैज माइल्ड फ्रेग्रेंस एंड ऑल। तो यस, इट एक्चुअली डीप क्लींसेज द स्किन, बट हाँ, फेडिंग द एक्ने स्कार्स नो, दैट इज नॉट वर्किंग फॉर मी। एंड वॉट एल्स, डीप क्लींसेज एंड बैलेंसेज एक्सेस सीबम प्रोडक्शन, यस, बिकॉज इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो फेस ऑयल है वो कंट्रोल हो जाता है, आपकी स्किन एकदम से ड्राई आउट भी नहीं लगेगी, दैट इज बिकॉज ऑफ एलोवेरा, बिकॉज उसमें एलोवेरा भी है तो वो आपको इंस्टेंट हाइड्रेशन भी देगा, तो उसकी वजह से वो एकदम से आपका सारा प्रोडक्ट जो भी ऑयल है वो खिंच नहीं जाएगा स्किन से, तो इट वर्क्स नाइस, दैट मीन्स इट रियली बैलेंसेज द स्किन आउट कि आपका एक्सेस ऑयल भी निकल जाए एंड एट द सेम टाइम आपकी स्किन जो है एकदम से ड्राई आउट फील ना करें। तो चलिए, ये तो हो गया इसके बारे में बहुत सारी बातें, तो अब इसको एक बार ट्राई भी करते हैं, एक डेमो भी लेते हैं। ओके, आई एम जस्ट गोना स्प्रिट सम वाटर ऑन माय फेस फर्स्ट एंड वन मोर थिंग गाइस, जो इस पे लिखी हुई है वो ये है कि एक्टिवेटेड चारकोल पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे इन जनरल बेस पे बैठ जाते हैं जब कोई भी चीज़ ऐसे ही रखी रहेगी, तो बिफोर एवरी यूज वी नीड टू शेक इट एंड देन यूज, ताकि वो एक्टिवेटेड चारकोल भी अपना काम कर पाए, तो दैट इज ओके, एंड उन्होंने वो मेंशन किया है तो वी कैन डू लाइक दैट। ऑलराइट, सो आई एम जस्ट गोना पंप दिस फेस वॉश। यू नीड वेरी लिटिल फॉर द होल फेस गाइज, लाइक लिटरली 2 to 3 पंप्स ओनली।
द बेस्ट थिंग इज द ब्रश डज नॉट हर्ट यू एट ऑल. But you can find it on discount, like some discount in any case. But still, I would say give for 400 rupees and the quantity that you get is 100 ml. It's good, okay, ki chaliye chala thoda lamba time pe chalega because foaming hai to aapko zyada quantity nahi chahiye to wash the whole face. But still, I would say give for the expensive side. But abhi kya hai ki ye ek bar use ho jayega. I don't think ki main isko dobara use kar paungi. I'll definitely give, I'm going to give it a try. जब ये मेरा फेस वॉश खत्म हो जाएगा मैं इसमें कोई और फेस वॉश डाल के ट्राई करने का कोशिश करूंगी. इफ इट वर्क्स तो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू गाइस आल्सो. तो मैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आई विल अपडेट इट देयर. तो यस, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर, दैट लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो. तो अगर ये काम कर गया ऑन एनी अदर फेस वॉश आल्सो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है. देन इट इज वर्थ द मनी बिकॉज फिर तो आप इसमें कोई एक बार बस आपको इन्वेस्टमेंट करना है एंड देन यू नीड यू आर गुड टू गो विद दिस. आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा बिकॉज जनरली क्या होता है अभी जैसे इतना ज़्यादा ट्रेंड में भी है कि अलग से एक सिलिकॉन बेस्ड ब्रश पीपल आर यूजिंग टू फॉर देयर फेस. सो या, तो आई होप इट वर्क्स फॉर अदर फेस वॉशेज ऑल्सो. बट अदरवाइज इट्स अ नाइस प्रिटी गुड फेस वॉश. Nothing extraordinary, I would say just a normal face wash. It deep cleanses your skin. तो अगर आप कोई नया लेना चाहते हैं and थोड़ा different चाहते हैं तो you can buy this with the brush. Otherwise, it's a normal face wash. Nothing more, nothing less. तो yeah, that is all that I can say about this face wash, guys. तो yes, and a most important thing, this is not a sponsored video, not at all. It's I have purchased this by myself and I have been using this for a while now. Then after that I'm reviewing it. So yeah. So chaliye guys, I hope aapko ye video achhi lagi. Agar achhi lagi to please like, share and subscribe to the channel. Till then, see you in my next one. Bye bye.